What is the prescription for long-term wealth? Does it require luck? Does it require high intelligence? Or is it possible for a common man to become wealthy? I think these are the three mantras for becoming wealthy. One, regular investment. Ham apni, physical health. Ke liye डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सपर्ट के पास जाते हैं डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है नॉर्मली तीन दिन की मेडिसिन देगा और कहेगा सुबह लेना दोपहर को लेना रात को लेना अब ऐसा एक भी मायका लाल नहीं निकलता जो ये तीन दिन की सारी मेडिसिन एक झटके में ले ले ताकि जल्दी से ठीक हो जाए हम में से कई लोग को ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हर रोज मेडिसिन लेनी पड़ती हैं किसी को ब्लड प्रेशर है किसी को कोलेस्ट्रॉल है किसी को डायबिटिस है ये सारी बीमारी के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है प्रतिदिन मेडिसिन लेनी पड़ती है आपने कभी ऐसा किया है कि सारे साल की मेडिसिन एक साथ ले लें ताकि जल्दी ठीक हो जाए वहाँ पे हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल यही करना है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए छोटी छोटी किस्तों में ही सही बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए इसे म्यूचुअल फंड की परिभाषा में हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं एन एस आई पी के भी अलग अलग तरीके हैं एक सिंपल एस है कि हर महीने कुछ पैसा हम मार्केट में लगा दें म्यूचुअल फंड में लगा दें उस एस के अलग तरीके हैं ग्रोइंग एस टारगेट एस और स्मार्ट एस एक बार आप सिंपल एस कर ले उसके बाद ये तरीके भी ध्यान में रखने चाहिए वॉट इज़ सिंपल एस आई पी वेल नॉर्मली हम लोग सेविंग्स कैसे करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसिस जो बच गया वो सेविंग्स बट वो गलत हैं नॉर्मली आपको सेविंग्स कैसे करनी चाहिए इनकम माइनस टारगेटेड सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। सेकेंड ये जो सेविंग्स आपने तय कर ली है उसको हर महीने अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपनी असेट अलोकेशन के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में लगाते रहिए। नॉर्मली एक्विटी के लिए हम एस आई पी प्रिस्क्राइब करते हैं जो हर महीने आप छोटा मोटा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में लगाते रहे इसे सिंपल एस कहते हैं जो स्मार्ट एस है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जब मार्केट सस्ती हो तो कुछ ज़्यादा पैसा लगा दें और मार्केट जब महंगी हो तो कुछ कम पैसा लगा दें बट पहले सिंपल एस करना जरूरी है उसके बाद ही आप स्मार्ट एस पे आ सकते हैं ग्रोइंग एस क्या है वेल well, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे, वैसे आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए तो अगर आपने 25 साल की उम्र में अगर 5000 की एसआईपी से चालू किया है तो 27, 28, 30 साल की उम्र में उसे 10000 की करना जरूरी है सो so ये ग्रोइंग एसआईपी है एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बन सकती है गुजराती में कहावत है टीपे टीपे सरोवर भराई बूंद बूंद से हौज बनता है सेम वे एस के स्मॉल स्मॉल बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ बनती है अब अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए देखिए तो हम लोग एक असेट एलोकेशन करते हैं अपने नॉर्मल के खाने में कुछ सलाद होता है कुछ दाल रोटी चावल सब्जी होती है और कुछ डेजर्ट होता है हमारे गुजराती में कई लोग डेज़र्ट कोई मेन खाना बना लेते हैं, बट उनकी बात नहीं करते हैं अब जब आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं एक थाली खाते हैं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बनी रहती है आप सिर्फ़ डेज़र्ट कोई पकवान बना लें और खाते रहे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा आपकी सेहत बिगड़ जाएगी आप सिर्फ़ सलाड ही खाते रहे तो आप तंदुरुस्त तो रहेंगे बट टेस्ट नहीं मिलेगा एंड इसीलिए एक बैलेंस बना देते हैं सूप सलाद मेन कोर्स से डेजर्ट का कि आपको टेस्ट भी मिले और आपकी हेल्थ भी बनी रहे यही चीज़ आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करनी है आपके पोर्टफोलियो में अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कुछ पैसा डेट में लगाए कुछ इक्विटी में लगाए कुछ रियल एस्टेट में लगाए कुछ कमोडिटी में लगाए और वो कॉम्बिनेशन आपको टेस्ट भी देगा और आपको हेल्थ भी देगा ये असट एलोकेशन को अगर आप रैशनली समझना चाहते हैं तो दिस इज़ वन स्लाइड नॉर्मली मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाए तो उसे एक्सपेंसिव कहते हैं और फेयर वैल्यू के नीचे चला जाए तो सस्ता कहते हैं मार्केट बिकम्स एक्सपेंसिव नॉर्मली न तेजी की मार्केट

आपको और बेचना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगर मार्केट किसी वजह से बबल जोन में पहुंच जाए जैसे हमने 2000 या 2008 की साल में देखा था तब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहिए इफेक्टिवली इन एक्सपेंसिव मार्केट यू शुड बी बुकिंग योर प्रॉफिट ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने फेयर वैल्यू के आसपास मार्केट खरीदा और वो नीचे आ गया आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो गई बट देन यू शुड बी बाइंग मोर एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इवन आफ्टर बाइंग मोर प्राइजेस कैन गो फर्दर डाउन देन यू हैव टू बाई इवन मोर एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आपने बहुत खरीद लिया उसके बाद भी कभी नाइन एलेवन जैसी इवेंट हो गई तो मार्केट और नीचे गिरेगा बहुत सस्ता हो जाएगा दिस इज द टाइम टू बाई इवन मोर सो यू हैव टू बाई वैन मार्केट इज चीप you have to book profit when market is expensive and the best way to do that is through asset allocation the discipline of asset allocation on a regular frequency will help you book profit when markets are expensive and will help you buy into the market when markets are cheaper the third thing which is required apart from regular investment and asset allocation is long term investment इफ़ यू लुक एट मैंगो ट्री इट टेक्स अबाउट ट्वेल्व ईयर्स टू गेट गुड मैंगो ना मैंगो ट्री वो तो भगवान की देन है कभी मंदिर में जाके किसी ने ये कंप्लेन की भगवान से कि आप मैंगो के लिए 12 साल क्यों तड़पाते हो इतना अच्छा फ्रूट है फल का राजा है एक साल में ही दे दीजिए ना। वहाँ पे तो कोई भगवान से कंप्लेन नहीं करता जबकि भगवान के हाथ में तो पॉसिबल है कि शायद वो मैंगो को एक दिन में भी बना दे तो फिर आप इक्विटी फंड मैनेजर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंस्टेंट रिटर्न दे दे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर दे इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में हमने यही देखा है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं आपकी प्रोबेबिलिटीज़ पैसा बनाने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैं सेंसेक्स के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ इसने तकरीबन जनवरी 1991 से जुलाई 2018 तक 14.38 प्रतिशत रिटर्न दिया है इस समय काल में देर वेर ट्वेंटी वन डेज वेर सेंसेक्स हैज हिट सिक्स दैट मीन्स इट हैस डिलीवर्ड मोर देन सिक्स परसेंट रिटर्न इन अ सिंगल डे देर वेर ऑल्सो नाइन्टी डेज वन सेंसेक्स हेज़ हिट अ फोर दैट मीन्स इट इज़ डिलीवर्ड बिटवीन 4 percent to 6 percent return. Now, if you had invested in the Sensex for all this period from Jan 91 to July 2018, but missed 58 days when Sensex hit 4 and 6, your entire return for this more than 6,600 days would have become 0. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट टाइम इन द मार्केट रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट कई बार लोग कहते हैं कि नीलेष भाई वो 58 एट डेज ही बता दीजिए वही समय पर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे अब मैं उनको कहता हूँ कि अगर मुझे वो मालूम है कौन से 58 एट डेज़ में निवेश करके पैसा बनता तो मैं नौकरी क्यों करता मुझे वो नहीं मालूम है इसलिए तो मुझे नौकरी करनी पड़ रही है मुझे सिर्फ ये मालूम है कि अगर आप पूरे छह दिन निवेश करेंगे तो आपका चौदह प्रतिशत रिटर्न बन जाएगा मुझे ये नहीं मालूम है कौन से दिन सेंसेक्स छक्का मारने वाला है कौन से दिन सेंसेक्स चौका मारने वाला है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क Read all scheme-related documents carefully.